यहाँ इस बार जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन को विटनेस करने आए हैं, तो हमें ये एक नया चीज मालूम हुआ कि इस बार यहाँ की जो टीम है, कमिटी ने एक बहुत ही नया चीज इनिशिएट किया है जो कि खाने को लेकर ऊपर है, जिसका नाम बोला जाता है कि लंगर सिस्टम। तो आपने शायद सुना होगा जो लंगर सिस्टम होता है कि बहुत ही रेयर, आपको अगर देखा जाए तो इंडियन में सिख, जो सिख पंजाब के लोग होते हैं वहां देखा जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश में शायद ये कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं लेकिन जो लंगर सिस्टम होते हैं वो शायद एक ही दिन, जो कॉमन एक जो डेट्स होता है, मेन इवेंट डेट होता है, इंक्लूडिंग हम लोग का हर ट्राइब का जो फेस्टिवल से वहाँ कम्युनिटी फीस जो कहते हैं वो दिया जाता है। लेकिन अगर आप सुने कि कितने महीनों से ये जो द्री फेस्टिवल शुरू होने के समय से ही जो लंगर सिस्टम जो कमिटी के द्वारा से इस पर रखा गया है, जिसमें आपको हर तरह का या में फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना दिया जाएगा अलग अलग, और नो मतलब एवरी डे यहाँ कुछ भी फंक्शन या एक्टिविटीज किया जाएगा तो कमिटी की तरफ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना रखा जाता है, जिससे ताकि यहाँ के जो लोग पार्टिसिपेट करते आते हैं, स्पेशली जो काम करने वाले यूथ वर्कर्स बहुत सारे हैं जो बहुत दूर दराज से आते हैं, उनको बार बार अपने जो लंच टाइम होता है उसको टाइम लेकर दोबारा घर ना जाना पड़े, ताकि ना उनका जो जो टाइम और उसका जो अमाउंट जो पैसे खर्चे हैं वो भी बच सके। तो इसी को लेकर एक नया सिस्टम अपनाया गया है। तो सीधे ही चलते हैं, जो इंचार्ज है इनसे जानते हैं कि एक्जेक्टली जो लंगर सिस्टम है वो कैसा है और इसका शुरुआत कैसा हुआ। तो बढ़ते आपका नाम हम तो मेरा नाम तो इस बार भी शुरू किया गया जब यहाँ पे खेल कूद होता है, तो पब्लिक से आता तो हम प्यार रहता है, तो बाकी टाइम में खाना बनाया जाता था, पब्लिक के लिए नहीं बनाया जाता। तो अभी उस फीचर को हम लोग सोचते हुए लास्ट में देखा कि पब्लिक को भी खाना है, हमें लेट नाइट गेम होता है तो उसी को लेके है, हम लोग पब्लिक को भी खाना खिलाएगा बोल के तो लंगर शुरू किया था। तो देखा है, तो इस बार देखे तो एवरी डे ऐसे हो रहे हैं कि मोर देन 400-300 पीपल एवरी डे खाना खा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे मैनेजमेंट में भी बहुत तकलीफ होता है, तो उससे पता चलता है कि हमारा काम जो सक्सेस हो रहा है। तो ये पब्लिक ऑन डे ऑफ थ्री गोल्डन जुबली के नाम में हम लोग सबको भूखा प्यासा या में जो भी आता है भूखा नहीं छोड़ रही। तो ये लंगर सिस्टम में जैसे आपने बोला 400-300 से ज्यादा लोग अभी खाने आता है, और ये एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ और जैसे इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इतना अमाउंट ऑफ आप तो बल्ब में बनाते हैं, तो इसको कैसे करते हैं आप लोग बैलेंस करते हो, क्योंकि लॉसेस भी बहुत हो सकते हैं, कैसे करके आप करते हैं? एक्चुअली पहले ऐसे किया जाता था कि आप जितना आदमी बनाता था जी खाना ऑर्डर कर किया जाता, तो उस हिसाब में खाना एक प्लेट 250-270 होता था, रेट होता था। तो उसको देखा जाए तो अगर यहाँ पे हम लंगर उसका किया तो पर प्लेट में मेरा जब नॉर्मल खाना देता है तो 17-18 रुपीज में हम खिला पा रहे हैं एक आदमी, तो जब कुछ स्पेशल बन रहे तो मोर देन 30 रुपीज में खिला पा रहे हैं। तो उसमें मेरा सेविंग है, लंगर बना जाए तो सेविंग हो रहा है, तो बहुत सेविंग हो रहा है उसमें, कम्युनिटी का पार्ट में भी सेविंग आ रहा है थोड़ा। तो उसी के लिए लंगर अभी के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो जो आके जो खा के पेट भर भर के खा के जा रहे, अपना काम भी हो रहा है, तो उसका रेस्पॉन्स कैंसर करा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हाँ, 80% के लिए फायदा है, 80% जो 90% में तो ठीक हो रहा है, पर हर किसी को 100% को फुलफिल नहीं किया जाता। तो कोई किसी दिन डीप बना रहे तो कोई उसमें से 10% होता है कि डीप नहीं खाता है, तो वो इन जाके बोलते हैं कि डीप नहीं खाते, कंप्लेन करके चला जाता है। तो अभी जब मोर देन 400-500 के लिए खाना बनाता है तो इसमें थोड़ा से हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग जब ऐसे डीप बनाते हैं तो इसमें एक अल्टरनेटिव रख देता है, अंडा रख देता है, फिर दही रख देता है, तो मेरा ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता और बहुत लोग खुश है इसमें। तो हमने ये भी सुना है कि आपका जो लंगर सिस्टम है, जितना भी डे है यहाँ में जो डाइनिंग टेबल बैकग्राउंड में है, तो इसमें ही सभी को सेम खाना प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा गेस्ट जो स्पेशल वाइटिंग वगैरह भी आता है, तो उनके लिए कोई अलग भी नहीं, आप लोग एक साथ ही देते हैं, आई मीन से कोई VIP कल्चर नहीं रखते हैं, ऐसा भी बोला गया है, तो उसको भी हम करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे स्पेशल इनवाइटेड भी हमारे ही लोग हैं, तो लास्ट टाइम से बोल रहे कि यहाँ पे दो खाना नहीं बना चाहिए, लंगर एक चल रहा है तो वो भी एक चलेगा। यहाँ पे स्पेशल VIP के लिए ट्रीटमेंट बोल के अलग दूसरा लंगर या कैटरिंग नहीं बुलाया जाएगा, तो इसलिए इस बार लास्ट प्रीवियस लास्ट ईयर से यहाँ पे जितना भी आ रहा है
इनवाइटी भी आ रहा है सेक्रेटरी डायरेक्टर वगैरह जो भी पोस्ट जो गवर्नमेंट जॉब का है वो बड़े बड़े जो ऑफिसर लोग भी है, हमारा चेयरमैन भी है और डायरेक्टर भी सेक्रेटरी डायरेक्टर है, उन लोग भी यही खाना खा रहे हैं। और इसी से इनवाइटी अभी भी जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी यही खाना खा के चल रहे हैं, तो उन लोग से उन लोग तो एकदम फर्स्ट क्लास थम्स अप देके जाता है कि खाना बहुत बढ़िया बना है। तो आपका ड्रीम तो लगभग कितना 3 4 5 महीने से शुरू हो गया है, तो कितने लोगों को अभी तक आपको खाना खिला चुका होगा, मैं कुछ जानने वाले कर। तो उसके कैलकुलेशन तो क्या नहीं है, तो एक्चुअली प्रोग्राम तो क्लास फेबर से चलता है, तो फेबर में प्रोग्राम वॉकआउट होने के बाद थोड़ा सा गैपिंग रहा है, उसके बाद मई से शुरू है, मई से कंटिन्यूस एवरी डे चल रहा है। तो मेरा ख्याल से अभी 4 से 5 दिन क्यों नहीं है, इतने लोग को तो खाना खिला था। अभी जो खाना आप खा रहे खिला रहे कि प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली फॉर आप लोग, जो होता नहीं घर पे आके भी काम कर रहे जो बच्चों टीम है उन सभी के लिए टेबल है ना, जो बाहर से उनके यहाँ कोई गेस्ट अलग प्राइस से मिलते हैं, इसके आगे बहुत सारे जो देखने आएंगे तो उनको भी अगर फ्लेट बुक में दिया जाएगा तो कैसा है थोड़ा लोग को ज्यादा यहाँ पे जो भी एग्जाम में आता है सबके लिए, इनकॉमन। इन कॉमन कॉमन सबके लिए दिया जाता है। पर्टिकुलर एक हमारे जो आदमी यहाँ पे अपना पता नहीं भाई आता है या फिर प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए जो आता है उसके लिए नहीं, सबके लिए आपके लिए भी है, और जो कोई भी यहाँ पे जो विजिटर है उन लोगों को भी यहाँ आके वेलकम करते हैं, खाना दिखाता है आता है सबको खिला के खिलाते हैं। जी हमने तो बहुत बार खाए हैं तो आगे भी खाएंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि और कब तक ये लंगर रहेगा, ताकि जो और सारे क्योंकि मेन इवेंट आ रहा है तो बाहर के गेस्ट भी आ सकता है, तो भूखा प्यासा नहीं जाए तो वो लोग कब तक खाने मिलेगा वो भी बता दीजिए। अभी आज 30 हो गया, जून 30 हो गया, आज हमारा वो फूड स्टॉल का इनोग्रेशन हो गया, तो अभी से एवरी आज नाइट भी डिनर भी होगा, कल मॉर्निंग दिन को लंच होगा, फिर डिनर होगा, आज से 6 जुलाई तक कंटिन्यूसली लंगर होगा। ओके तो हमारे लोगों को पता दीजिए, नॉट ओनली आपका ट्राइब सब बाहर के जो भी अलग अलग हमारे ट्राइब लोग जो आएगा दिल्ली में उनके लिए भी थोड़ा अपील कर दीजिए, आपके खाली पेट ना जाए और आपका इवेंट भी करे और आपका सब लगन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसका भी आनंद है। हाँ मैं सभी को ये वेलकम करना चाहता हूँ, इस बार हमारा केमिकल कॉम्प्लेक्स में जो पता नहीं ट्राइब रहता है तो वो अपना वो 50 ईयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो उसमें सब विजिट कीजिए यहाँ पे दिल्ली में विजिट कीजिए, और यहाँ आने के बाद में भूखा ना जाए, हमारा अगर मेरा फ्री खाना खाने नहीं खाने मन नहीं तो हमारा स्टोर ओपन है, वहाँ से भी आप खरीद के खा सकते हैं, या तो फिर वहाँ से नहीं तो हमारा यहाँ से भी खा सकते हैं, तो दोनों में खाना में इतना डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ थैंक यू सर। तो आपने सुन लिया है और लंगर आज से लेकर लगभग पूरा 5 जुलाई तक रहेगा, और जैसे 6 जुलाई तक रहेगा, और जैसे बोला एकदम आप फ्री ऑफ कॉस्ट बेझिझक आप आ सकते हैं, इवेंट विटनेस कर सकते हैं और लंगर यहाँ लगेगा। अगर कंफ्यूजन हो तो सर से चेहरा देख लिया है तो मिलकर टाइम टेबल पूछ लीजिए, खाना कैसे तो दे सकता है ताकि आप आए तो खा पाए, और अगर इससे दोबारा हम मतलब आपको समिति को एप्लीकेशन देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से जो आप अपने लंगर सिस्टम को जो अपनाया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है, इससे आप लोगों का भी मेहनत का साथ साथ लोग सामने वाले जिसका फायदा ले रहे हैं, और आप लोगों का अगर बोला जाए तो क्योंकि ये टेक्निकली लॉजिकली बोला जाए तो सही है, क्योंकि आपको बाई पैकेट से खरीदना उनसे ज्यादा ही लोग चाहता है ना कमेटी का भी, तो उससे अच्छा लंगर सिस्टम भी पहनते हैं, और अगर ये आइडिया को अगर ये कॉन्सेप्ट को हमारा बाकी अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले समय में आएगा और मनाते हैं, तो अगर इसको भी कॉन्सेप्ट को लिया जा सके तो किया जा सके तो बहुत ही सभी के लिए आई थिंक फायदा रहेगा, क्योंकि हर कोई फेस्टिवल में जाता है स्टॉल्स में बहुत सा ज्यादा हैवी रेट के कारण खाता भी नहीं है, तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में ये जो कॉन्सेप्ट है लंगर सिस्टम के से कहाँ कहाँ तक पहुँचता है और हमारे लोगों को कितना फायदा मिलता है, तो थैंक यू वेरी मच।